में एंड टुडे वी विल बी डूइंग हैमलेट. और इन द सेम वे कि आप हैमलेट में क्या लिख सकते हो इफ़ यू डोंट नो द आंसर, कि अगर आपको बेसिक समरी सिर्फ पता है और आपको आंसर समझ में नहीं आना कि आपको लिखना क्या है, तो वहाँ पे आप समरी के साथ साथ और क्या चीज़ें वहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने आंसर में, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल जिसको कुछ भी नहीं पता है उसके लिए. तो स्क्रीन शॉट की टेंशन मत लेना, मैं इसको शेयर कर दूँगी, ये जो भी आंसर है मैं इसको शेयर कर दूँगी. जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है वहाँ पर लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जो भी नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल राइट, अब हम बात करते हैं हैमलेट की. सबसे पहली चीज़ कि आपको एक बेसिक छोटी सी समरी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप अपने आंसर को फ्रेम कर पाओगे. तो सबसे पहले अपने आंसर में एक छोटी सी समरी दे दो कि इंट्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कि प्ले ओपन ही होता है घोस्ट से, तो घोस्ट को आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है अपने आंसर में, बिकॉज जो घोस्ट का कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं आपके ड्रामा को एक्शन देता है. अगर घोस्ट अपीयर ही नहीं होता तो हैमलेट होता ही नहीं, इन द सेंस कि हैमलेट जो ड्रामा है प्ले है वो नहीं होता, क्योंकि जो प्रिंस हैमलेट है वो क्या करता, वो रिवेंज लेता ही नहीं जब घोस्ट आता ही नहीं. तो घोस्ट का अपीयरेंस दिखाना आपको ज़रूरी है. ठीक है, सेटिंग बता देना डेनमार्क की रखी गई है क्योंकि एल्सिनोर कासल में है. घोस्ट का यहाँ पे आना ज़रूरी है, वो आके क्या बताता है कि उसको मर्डर कर दिया गया है, और किसने किया है, क्लॉडियस ने किया है. घोस्ट किसका है, जो किंग हैमलेट थे, जो जिनकी डेथ हो गई है, प्रिंस हैमलेट के फादर, और उसके बाद उनकी जो मदर है उन्होंने गर्ट्रूड ने क्लॉडियस से शादी कर ली है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसके बाद जो हैमलेट की जो क्वेस्ट है फॉर रिवेंज, ये इंपॉर्टेंट है. एक छोटी सी समरी में आप यही तो लिखोगे ना कि हैमलेट वो करता है, एक टारगेट लेता है कि ठीक है वो अपने फादर की डेथ को अवेंज कर पाएगा, जितना जो भी स्ट्रगल हो कुछ भी हो लेकिन वो करेगा, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, डाउट्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल चल रहा है उसकी लाइफ में. तो इनएक्टिविटी आप यहाँ पे शो करोगे. प्ले विद इन द प्ले इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्ले विद इन द प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वहीं से क्लॉडियस का गिल्ट सामने आता है कि क्लॉडियस ने किया है या नहीं किया है. तो प्ले विद इन द प्ले मेंशन कर देना. मर्डर ऑफ गोंजागो भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि प्ले विद इन द प्ले होता है एक तरीके से माउस ट्रैप है. ठीक है, माउस ट्रैप आप यूज़ कर सकते हो, वर्ड माउस ट्रैप ईजी रहेगा, बेटर रहेगा थोड़ा सा आपके लिए. ऑलराइट, देन ओफेलिया की मैडनेस. ओफेलिया की मैडनेस ज़रूरी है, क्योंकि ओफेलिया की मैडनेस का जो जो वो ड्राउन करके मर जाती है, तो वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हैमलेट कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर देता है कि उसकी मदर ने उसके फादर को धोखा दिया है, मे बी उसकी मदर ने भी मर्डर में हाथ था उसका, या फिर कैसे उसके फादर की डेथ के बाद उसकी मदर ने, उसकी जो मॉम है उन्होंने फिर से फटाफट से शादी कर ली उसके अंकल से. तो दैट इज़ वेरी अपसेटिंग फॉर हैमलेट, और इसलिए वो क्या सोचता है कि वो सोचता है कि जितने भी वुमेन हैं वो सारी एक ही कैटेगरी में, वो प्रोजेक्ट कर देता है सेम चीज़ को ऑफेलिया के ऊपर कि तुम भी ननरी में चली जाओ. तो वो कहीं ना कहीं ऑफेलिया का मैडनेस का रीज़न बन जाता है, उसके फादर की डेथ हो जाती है, वो भी होता है, तो उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है. क्लाइमेटिक ड्यूल होता है, वो इंपॉर्टेंट है लेट्रेस के बीच में. ऑफेलिया का ब्रदर है लेट्रेस, ठीक है, और उसके बीच में और हैमलेट के बीच में ड्यूल होती है, और वो ड्यूल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहाँ से हैमलेट की डेथ हो जाती है, वो एंड सीन है आपका, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है. कंक्लूजन में आप देख लो बहुत सारी इसमें डेथ होती हैं, गर्ट्रूड पॉइजन वाइन पी लेती है, हैमलेट मर जाता है, लेट्रेस मर जाता है, उसके बाद क्लॉडियस भी मर जाता है, मैक्सिमम जितने लोग हैं, ऑफेलिया मर चुकी है, तो सब मैक्सिमम कैरेक्टर मर जाते हैं, बचता कौन है, होराशियो बचता है बस, जो कि हैमलेट का फ्रेंड होता है. थीम्स इंपॉर्टेंट है, कि थीम्स में रिवेंज है आपका, मैडनेस है, करप्शन एंड डिके है, मोरालिटी है, आफ्टर लाइफ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आप लिखो कि टू बी और नॉट टू बी, कोई भी क्वेश्चन आए ये चीज़ लिख देना. वो उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थी कि वो सोचता है कि वो क्या करे, टू बी और नॉट टू बी, वो रिवेंज ले या ना ले, वो ये करे या ना ले, उसकी लाइफ का क्या मतलब है, वो मर जाए क्या, फिर वो सोचता है कि डेथ के बाद भी कुछ नहीं होगा, उसको डेथ के बाद भी सफ़र करना पड़ेगा, तो आफ्टर लाइफ की बात जो है वो यहाँ पे शो करती है. अगर आप की सीन्स की बात करते हो कि मेन क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो घोस्ट की अपीयरेंस है, ठीक है, जो कि आपके प्लॉट को कहीं ना कहीं मोशन में लेके आएगी. टू बी और नॉट टू बी, इसको तो रट्टा मार लो कि आपको ये मेंशन करना ही करना है, ठीक है, क्योंकि एक बेटर चीज़ है, एक पॉजिटिव वे में ये आपका जाएगा. प्ले विद इन द प्ले मेंशन ज़रूर करना कि प्ले विद इन द प्ले हो यहाँ पे रखा गया है, एक माउस ट्रैप है ताकि वो क्लॉडियस को गिल्टी कहीं ना कहीं प्रूफ कर सके. ऑफेलिया की मैडनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफेलिया एक फीमेल कैरेक्टर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो रखी हैं. जब आप कभी भी शेक्सपियर के ऊपर रिसर्चेस पढ़ते हो या फिर हैमलेट के ऊपर देखते हो, तो जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके उन पर बहुत रिसर्चेज हैं, ऑफेलिया उसमें से एक है, क्योंकि ऑफेलिया की जो डेथ है उसका कोई रीज़न नहीं दिखा पाया, मतलब उसका जो रीज़न है, उसकी जो डेथ है वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव वे में नहीं गई है.
वो बेकार में ही उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको कोई क्वेश्चन था, एक काफ़ी डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको ऑफेलिया की डेथ दिखानी है, उसका मैडनेस दिखाना है, क्योंकि यहीं से एक तो ग्रेव डिगर का सीन भी आता है जो कि इन्फॉर्म करते हैं कि ऑफेलिया की डेथ हो चुकी है। फाइनल ड्यूअल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से मल्टीपल डेथ्स होती हैं, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो सोलिलोक्यू इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हैमलेट की इनर स्टेट को दिखाती है, डिलेमा को दिखाती है। उसने बहुत सारी लाइंस ऐसी बोली है थ्रू आउट द प्ले जहाँ पे उसके डिलेमा का कंफर्म होता है, जैसे टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है। उसके छोड़ के भी दो चार ऐसी लाइन्स हैं, एक जगह पर वो अपनी मदर को बोल रहा है कि उसे लगता है कि उसकी मदर का भी हाथ था उसके फादर की डेथ में, या फिर जो एक जगह पर उसने बोला हुआ है कि जो डेनमार्क है वो डिके हो रहा है, डेनमार्क में डिके होने की स्मेल आ रही है, दैट मीन्स की रोटीननेस हो रही है, कुछ चीज़ें सड़ रही हैं डेनमार्क में। और किसकी बात कर रहा है? कहीं ना कहीं अपने अंकल की, जो उनका जो करप्शन था उसकी बात कर रहा था। सिंबलिज्म आप क्या दिखा सकते हो, जैसे कि स्कल है, जो ग्रेव डिगर्स हैं वो एक स्कल निकालते हैं, एक सर की हड्डी निकालते हैं, वो दिखा रहे होते हैं वहाँ पे, या फिर पॉइजन स्वॉर्ड है, वाइन है, वो सब चीज़ें एक तरीके से काम कर रही हैं। फॉर शेडोइंग आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि गोस्ट आकर रिवेल कर देता है, वार्निंग भी देता है। अगर आप मोरल की बात करोगे, प्रिंसिपल्स की बात करोगे, तो जस्टिस की, रिवेंज की, वही सब चीज़ें हैं। मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, या फिर इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है, क्वेश्चन ऑफ द नेचर ऑफ द एक्सिस्टेंस, जैसे टू बी और नॉट टू बी, वो यहीं पर आता है, ठीक है, एक्सिस्टेंस पर आ जाता है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में फिर वही की पावर की बात है, यहाँ पर लेजिटिमेसी की बात है, आफ्टर लाइफ की बात है, कि जो उनके गोस्ट जो आए हैं, किंग के जो गोस्ट हैं, वो भी तो आफ्टर लाइफ की कहीं ना कहीं शो कर दिया उन्होंने। और क्लासिकल, इस पे क्लासिकल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, जो भी, क्योंकि जब आप पढ़ते हो हैमलेट को तो आप देखते हो कि ये थॉमस किड की और हैमलेट एंड द स्पेनिश ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस हो रखा है कहीं ना कहीं। और लेगेसी में अगर आप बात करोगे तो फेमस इसमें बहुत लाइंस हैं, बहुत चीज़ों को इन्होंने कर रखा है, इन्फ्लुएंस कर रखा है। फिलोसॉफिकल बहुत है क्योंकि हैमलेट का कैरेक्टर फिलोसॉफिकल है, यहाँ पे सॉरी लोकिंग फिलोसॉफिकल है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लिख सकते हो। तो इन जनरल एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। इसमें से जो भी आपको याद रहे वो सब लिख देना उसमें, ऐसा नहीं कि सब लिखना है, पर हाँ जो जो याद रहे वो सब लिख देना। जैसे कि इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया, वन सेकेंड यस, इंट्रोडक्शन दे दिया, गोस्ट के बारे में बता दिया, क्विस्ट रिवेंज के बारे में बता दिया, प्ले विद इन द प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेलिया की मैडनेस ज़रूर बताना, और लास्ट जो ड्यूएल है वो बता दिया। इसको छोड़ के आप थीम्स बता दो कि रिवेंज का थीम है, मैडनेस का थीम है, जैसे कि जो हैमलेट वो भी फॉल्स करता है अपनी मैडनेस को, पागल होता नहीं पर पागल होने का दिखावा कर रहा होता है, करप्शन एंड डिके है, मोरालिटी एंड आफ्टर लाइफ है। तो टू बी और नॉट टू बी बिल्कुल मत भूलना, इसे लिख देना। तो हैमलेट का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये सब लिख देना, सब कुछ चलेगा, सब कुछ सही जाएगा, क्योंकि कुछ बेसिक ही चीज़ें हैं, उसी में से घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है उसके सोलिलोक्वी के ऊपर, कि वो जो अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, बातें कर रहा है उसके ऊपर, तो वो आएगा। तभी भी आप ये लिख सकते हो कि मैडनेस के बारे में, करप्शन के बारे में, मोरालिटी के बारे में, और उसके बाद उसका एग्जांपल दे दो, टू बी और नॉट टू बी का क्वेश्चन है जो, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और इसको मैं शेयर कर दूँगी, तो आप वहाँ से ले सकते हो अगर आपको लगता है कि काम का है तो। या नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट दूसरे के क्वेश्चंस, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो का कर लेंगे, क्योंकि वेटिंग फॉर गोडो इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे करेंगे हम। या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।